दिखाए अगली तस्वीर, बस दुखी हो गई मैं। याद आ गया सर। इरम तुम्हारी चिट्टिया से क्या रिलेटेड है? तुम्हारे बड़े अच्छे बाल मैं बॉब होते थे, फिर जब मैं अगली दफा मिलती थी ये लंबे हो जाते थे, जैसे घर घर की खेती है ना, ऐसे बढ़ते थे इसके बाल। हाँ, यही मैंने भी शुरू में बताया ना कि मैं एक ही से कटिंग करवाती हूँ, उसके हाथ में ग्रोथ है, वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, मेरा स्टार्ट बचपन से लेडी डियाना कटिंग से हुआ था, अम्मा शुरू से। हाँ, ये है, मैं गई थी खावर भाई की तरफ। अच्छा, स्टार्ट था मेरा मॉडलिंग का फर्स्ट। ओके जी, खावर भाई ने बैठा दिया शीशे के आगे, पीछे से आए, वो ऐसे ही हैं, वो कभी भी किसी से पूछते नहीं, उन्होंने जो करना होता है, बस आप आ गए हैं तो आप हमारे हैं, ठीक है, आप अपने नहीं हैं। उस वक्त आपके बाल लंबे थे? मेरे इतने लंबे बाल थे, मेरे मैं अगर मेहंदी पे अगर मुझे ये मसाल मतलब परांदा डालें तो परांदे से भी निकलते थे। वाओ, माशाल्लाह। तो वो और इतने मोटे होते थे, यानी कि ये मेरे अब 10% हैं बाल मेरे, ख़त्म हो गए, होने थे एज भी। बट खबर भी आए, चुटिया थी मेरी, आगे सीट पे बैठी हूँ, और उन्होंने मेरी यहाँ से इतने बाल यहाँ से काट के यूं शीशे में अभी यही कह रहे हैं सामने से मुझे यूँ दिखाया, और मैं यूँ थी, ये क्या है? क्योंकि आज भी मैंने काट दी पूरी, और कितने कर दिए यहाँ तक, ये आपकी। ओह माय गॉड। और आईब्रोज हमारी, उन्होंने आईब्रोज की बात हो रही थी, मॉडल्स के मॉडलिंग में कभी भी आईब्रोज कभी भी यहाँ से नहीं बढ़ने देते, एक आईब्रोज वो यहाँ से उड़ा देते थे, यहाँ से पूरी छोटी कर देते, इतनी होती मतलब साइज छोटा कर देते, उस वक्त फैशन था। और लैशेस भी यहाँ से खत्म कर देते थे, ताकि आपकी जो आईज है वो लिम्प ना करें, बिल्कुल ढलकी भी लगती है मॉडल्स की आंखें खुले हुए अंदर इस तरह के, तो वो हमेशा काट देते थे, और बगैर पूछे, किसी की परमिशन नहीं, उनको उनके यहाँ किसी की कोई चीज़ की परमिशन नहीं होती थी, वो खुद आए और काट दिए, मैं यूँ थी। और आज भी जब भी कटिंग होती है या कुछ भी होता है तो मेरा ये होता है कि एक दो दिन तो मैं बाल नहीं देख सकती हूँ शीशे में कि और शॉर्ट हो गए, जब कट भी रहे होते हैं तो आए इतने कट के नीचे इतने गिर रहे हैं, ओके क्यों, मगर ये कि अब हम हो गए इन चीज़ों के तो हर तरह की। लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा वो था, क्योंकि मेरे घर में सबको मेरे बड़े बाल बहुत पसंद थे, तो मेरे लिए बहुत एक अजीब सी चीज़ थी। लेकिन नो डाउट खावर भाई चेंज लाते हैं, मैं भाई खावरियाज एंड उस वक्त के अथर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।